हेलो, चैप्टर 1081, मस्त चैप्टर। अगर अभी तक रीड नहीं किया है तो पहले उसे रीड करो, फिर ये वीडियो देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हें चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है? बल्कि आई विल गिव माय ओपिनियन ऑन द मेन इवेंट्स दैट हैपेंड इन दिस चैप्टर। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मैं इसी चैप्टर का लिंक पिन भी कर दूंगा, उसको देख लेना एक बार। पिछले चैप्टर वाले वीडियो में भी मैंने ये चीज़ किया था, बट लोग इतने गधे हैं कि वो फिर भी कमेंट से पूछ रहे थे, मतलब मांग रहे थे मुझसे चैप्टर का लिंक, इवन तो मैंने पिन करके रखा था लमाओ। एनीवेज, चालू करते हैं बातें, लेट्स बिगिन। ओ हाँ, आई वॉन्टेड टू आस्क यू गाइज दिस, आर यू इंटू एनिमे वॉलपेपर्स? अगर तुम मुझसे पूछो तो हाँ, मुझे तो एनिमे वॉलपेपर्स बहुत पसंद है, वेदर इट बी माई फ़ोन और लैपटॉप, मैंने दोनों में एनिमे वॉलपेपर्स लगा के रखा है। एंड ये एनिमे वॉलपेपर्स मैंने डाउनलोड किया एक अमेजिंग ऐप से, विच इज़ एनिमे एक्स वॉलपेपर। एनिमे एक्स वॉलपेपर इज़ अ फ्री एप्लीकेशन जहाँ पे तुम्हें इतने सारे एनिमेस के इतने सारे वॉलपेपर्स मिल जाएंगे, वो भी एकदम टॉप क्वालिटी के, मज़ा सा आ जाएगा तुम्हें। यहाँ पे तुम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का भी वॉलपेपर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, लूफी, गिंतोकी, नारुतो, गोकू या कोई भी कैरेक्टर, यहाँ पे सबका टॉप क्वालिटी वाला वॉलपेपर तुम्हें मिल जाएगा। एंड यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स के साथ साथ पीसी के भी वॉलपेपर्स अवेलेबल हैं, एंड इस ऐप में एड्स भी बहुत कम है, तो ये तुम्हें जबरन का अनॉय नहीं करेगी। प्लस वॉलपेपर्स डाउनलोड सिर्फ एक क्लिक में हो जाते हैं, तो एकदम ईजी टू यूज़ ऐप है ये। डिस्क्रिप्शन में मैंने एनिमे एक्स वॉलपेपर का लिंक डाल दिया है, ज़रूर से चेकआउट कर लेना आफ्टर दिस वीडियो, यू लव दिस ऐप। तीन सिचुएशंस दिखे हैं हमें इस चैप्टर में। एक सिचुएशन पास्ट का दिखा है बिटवीन आओकीजी एंड ब्लैकबियर्ड, एंड दो सिचुएशंस दिखा है प्रेजेंट का ऑफ विनर आइलैंड एंड हाचिनोजू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट सिचुएशन। हमें कुछ फैक्ट्स पता चली हैं, जैसे कि आओकीजी इज़ द 10th कैप्टन ऑफ ब्लैकबियर्ड पायरेट्स, एंड मुझे एज वेल एज बहुत लोगों को लगता था कि आओकीजी कुछ रीज़न से ब्लैकबियर्ड के साथ है। वेल, इट्स ट्रू, बट द फैक्ट दैट ब्लैकबियर्ड ने आओकीजी को इन्वाइट किया, दैट कॉट मी ऑफ गार्ड। ब्लैकबियर्ड के ऐसा करने का मुझे जहाँ तक लग रहा है काफ़ी सिंपल रीज़न था, क्योंकि ही वॉन्टेड अ स्ट्रॉन्ग क्रूमेट। आई मीन द वे होल कन्वर्सेशन ऑफ आओकीजी एंड ब्लैकबियर्ड वेंट, ब्लैकबियर्ड कहीं ना कहीं डर रहा था आओकीजी से कि वो कहीं उसके अगेंस्ट ना चले जाए, एंड आओकीजी के एटीट्यूड को देख के वी कैन ईजिली टेल कि वो सारे ब्लैकबियर्ड पायरेट्स को इंक्लूडिंग ब्लैकबियर्ड अकेला हरा देता। इतने स्ट्रॉन्ग बंदे को अपने क्रू में लेने से ब्लैकबियर्ड के बहुत फ़ायदे हैं, एंड आओकीजी के क्या रीजंस हो सकते हैं इस चीज़ को करने का? वेल, ब्लैकबियर्ड ने खुद ही बोला कि वो दोस्त नहीं बल्कि मतलबी एलाइज टाइप के हैं, तो व्हाट आई थिंक इसकी आओकीजी ब्लैकबियर्ड से हाथ मिलाया क्योंकि उसको एक योंकू का सपोर्ट और पावर चाहिए टू अचीव समथिंग, मे बी समथिंग रिलेटेड टू वर्ल्ड गवर्नमेंट। वो शायद एक वॉर चालू करना चाहता है बिटवीन ब्लैकबियर्ड एंड वर्ल्ड गवर्नमेंट, ताकि वर्ल्ड गवर्नमेंट में चेंजेस आ सके शायद, इसलिए एट प्रेजेंट भी वो गार्ब के अगेंस्ट ही है, क्योंकि ही इज़ डिटरमाइंड टू मेक इट हैपन। बाय द वे गाइस, हाउ डिड यू लाइक आओकीजी जोक्स? मुझे बड़े लैंडी लगे भाई। आई मीन आई नो दे आर मेंट टू बी लेम एंड ओडा सक्सीडेड इन इट। ये लोग भंड होकर भाई हरकतें कर रहे लमाओ, एंड मुझे हंसी नहीं तरस आ रहा था इन पे। एंड हाँ, आओकीजी का एक पैर नहीं है, ये इन्फो इज़ नॉट न्यू, ऑलराइट, ये बहुत पहले ही बता दिया था ओडा ने, किसी मूवी में भी शायद दिखा था ये चीज़, स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड था वो शायद। एंड हाँ, हमें मैन विद बर्न स्कार के बारे में पता चला है कि ही हैज़ द 4th रोड पोनेग्लिफ। मैन विद बर्न स्कार के बारे में किड ने भी बात किया था वाइल लिविंग वानो, तो कौन हो सकता है ये आदमी? जो भी है ये, ही इज़ डीपली कनेक्टेड विद फिशमैन आइलैंड, तभी तो इसके पास फिशमैन आइलैंड वाला पोनेग्लिफ है ना। किसी पुराने इंट्रोड्यूस्ड कैरेक्टर से अगर मुझे गेस करना हो तो आई विल से दिस गाय इज़ गबान, क्योंकि गबान रॉजर पायरेट्स का मेंबर था, तो इट्स ऑब्वियस कि ही शेयर्ड अ कनेक्शन विद फिशमैन आइलैंड। लेकिन अगर ये गबान है, देन हाउ डिड ही गेट अ बर्न स्कार? रैली के बाजू में खड़ा होता था भाई वो बंदा, लाइक ऐसे कैसे कोई भी जला के निकल जाएगा, राइट? बट देन अगेन, ब्लैकबियर्ड ने शैंक्स को कुचक दिया था एंड उसने खुद से जला लिया, ऐसा भी हो सकता है, क्या पता भाई, या फिर ये गबान ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है लमाओ, कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हाचिनोजू। पहले तो आई एम सैड इस बात से कि आओकीजी हाचिनोजू में है, ना कि उस शिप में जो एगहेड के पास है। आई मीन आई गेट इट कि इसकी वजह से आओकीजी वर्सेस गार्ब दिख रहा है, बट आई वॉन्टेड टू सी आओकीजी वर्सेस कीजारू यार। इसकी वजह से अब मैं लेफेट और लेफीटे जो भी था और डिवॉन को सीरियसली नहीं लूँगा ऑन एगहेड आइलैंड। स्टिल, आओकीजी वर्सेस गार्प इज़ नॉट बैड टू।
गार्प को एक्शन में दिखा के ओडा ने मुझे बहुचक्का कर दिया है, क्योंकि ओडा की गंदी आदत है कि वो किसी भी सिचुएशन को क्लिफहैंगर में छोड़ के करोड़ साल बाद उस सिचुएशन का कंटिन्यूशन दिखाते हैं, बट ऐसा इस चैप्टर में नहीं हुआ, अजीब। वैसे अबाउट गार्प्स पावर्स, आई कैन से फॉर श्योर नाउ कि गार्प ने इस चैप्टर एज वेल एज पिछले चैप्टर में कॉन्करर्स हाकी नहीं बल्कि आर्मामेंट हाकी यूज़ किया है। ये चीज़ मैं पिछले चैप्टर में सस्पेक्ट किया था एंड इस चैप्टर को रीड करने के बाद आई एम डैम श्योर अबाउट इट। मेरे पे दो रीजन है ऐसा मानने का। पहला कि कोई भी हाचिनोजू का पायरेट नॉकआउट नहीं हुआ उस वे में जिसमें मैं कॉन्करर्स हाकी वीक विल्ड को नॉकआउट करती है। जिन भी पैनल्स में पायरेट्स नॉकड आउट दिखे हैं ना, उनमें एक चीज़ नोटिस करना कि दे हैव ब्रूसेस, वो लोग के मुंह से झाग नहीं निकला है, विच मीन्स कि ये लोग नॉकआउट हुए हैं बाय द इम्पैक्ट ऑफ गार्प्स पंच, नॉट बाय हिज कॉन्करर्स हाकी। इस पे कुछ लोग बोल सकते हैं कि हो सकता है कि हाचिनोजू के सारे पायरेट्स स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं। वेल देन कैन यू एक्सप्लेन मी कि इस पैनल में गार्प आओकिजी को डायरेक्टली कैसे पकड़ा है? जब भी कोई यूज़र कॉन्करर्स हाकी इन्फ्यूजन करता है उसके वेपन या बॉडी पार्ट से ब्लैक लाइटनिंग से निकलता है, विच इंडिकेट्स कि उसका हाकी लीक हो रहा है, एंड इन्फ्यूज्ड बॉडी पार्ट या वेपन के अराउंड एक थिक इनविजिबल लेयर सा बन जाता है जो कि इतना हार्ड होता है कि उससे एक योंगो की भी चीख निकल जाती है, विच इज़ वाई इट्स इम्पॉसिबल टू ग्रैब समवन वाइल यूजिंग इन्फ्यूजन। लेकिन गार्प में तो डायरेक्टली पकड़ रखा है आओकिजी को इस पैनल में, वो भी तब जब उसके हाथों से भी ब्लैक लाइटनिंग निकल रहा है। दिस मीन्स कि गार्प कॉन्करर्स हाकी नहीं बल्कि आर्मामेंट हाकी को यूज़ कर रहा है, एंड उसका भी इतना स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म कि कंटिन्यूसली उसका हाकी लीक हो रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इम्प्रेस्ड मी इवन मोर देन एडवांस कॉन्करर्स हाकी डिड, शायद इसलिए क्योंकि गार्प के अलावा हमने ये चीज़ कंटिन्यूएशन में कभी नहीं देखा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि गार्प को कॉन्करर्स हाकी नहीं आता, ठीक है, आई थिंक उसे आता है, लेकिन वो कॉन्करर्स हाकी यूज़ नहीं किया इन दिस चैप्टर एज वेल एज इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड आर्मामेंट हाकी को भी यूज़ करके भाई बंदे ने आओकिजी को कोट दिया भाई, डैम, वो भी तब जब ये वीक है लमाओ। प्राइम में क्या मॉन्स्टर होगा गार्प, क्रेजी। अब क्या आओकिजी गार्प से हार जाएगा? आई डोंट थिंक सो। सिर्फ एक अटैक के बेसिस पे जज नहीं किया जा सकता। पर्सनली आई थिंक आओकिजी इज होल्डिंग बैक एंड ही स्ट्रॉन्गर देन करेंट गार्प, बट आई माइट बी रॉन्ग एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सिचुएशन, लॉ वर्सेस ब्लैक बियर्ड। लॉ लॉस्ट, ये आई एम हैप्पी, पता है मुझे एज वेल सबको पता था लॉ हारेगा, एंड अच्छा हुआ ओडा ने ओनिगाशिमा वाला हगाप नहीं मचाया इधर। लेकिन आई एम श्योर अगर लूफी लॉ के साथ होता ना तो लॉ जीत जाता, इवन इफ ओपोनेंट में साक्षात प्राइम वाइट बेट ही क्यों ना होता उसके। आई मीन वही प्लॉट आर्मर किंग के साथ रहने से उससे भी लाइक थोड़े पावर मिलते ही ना, जैसे वानों में मिला था। वैसे हु डू यू थिंक वॉज द MVP ऑफ दिस चैप्टर, दिस कम्प्लीट चैप्टर? फॉर मी इट वॉज बेपो। हिज सोलॉन्ग फॉर्म लुक्ड ग्रेट, एंड पर्सनली मुझे पोलर बियर्स बहुत पसंद है, द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्निवोर्स, आई लव पोलर बियर्स भाई, इसलिए बेपो का ये फॉर्म मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, एंड बिकॉज ऑफ हिम लॉ मैनेज टू एस्केप हिज डेथ। लेकिन बेचारे बाकी बचे हुए हार्ट पायरेट्स, उनको बेपो लॉ ऐसे छोड़ के चल दे रहे हैं, वेल मुझे क्या भाई, उनके नाम तक मुझे नहीं पता, तो क्या ही ग्रीफ फील करूँगा मैं एज वेल एज अदर्स, मरे कटे वो आई डोंट गिव अ शिट। बट अब इस चीज़ की वजह से लॉ बहुत गंदा ग्रज रखने वाला है अगेंस्ट ब्लैक बियर्ड, एंड ब्लैक बियर्ड के पास 3 रोड पोलग्लिफ्स आ चुके हैं टोटल, सेम एज लूफी, 2 लॉ वाले और 1 WCI वाला। अब उसको और लूफी को सेम रोड पोलग्लिफ्स चाहिए जो कि है बर्न स्कार वाले बंदे के पास, जिसके बारे में ब्लैक बियर्ड को क्लू है बट लूफी को नहीं, विच मीन्स ब्लैक बियर्ड के पास एट प्रेजेंट एक अपर हैंड है, बट क्योंकि लूफी के पास वेगा पंक है आई एम श्योर लूफी को भी स्कार वाले बंदे के बारे में जल्द पता चल जाएगा, एंड एट द एंड तो उसी को भाई पायरेट किंग बनना है, तो कोई मतलब नहीं है भाई अपर हैंड होने का ब्लैक बियर्ड के पास। नेक्स्ट वीक फिर से ब्रेक है, लेकिन स्पॉयलर्स आ जाएंगे तो कोई दिक्कत बात नहीं है आई गेस। आओकिजी गार्प की फाइट को और देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। लॉक किड दोनों ही पिट गए हैं योंकोस से, तो अब वो क्या करेंगे आई वंडर, साथ में संभव मिलके ये कुछ करेंगे शायद, क्या पता भाई, हो सकता है दोनों दल्ले योंकोस के पीछे जा रहे हैं और इनको पता है ये पिट जाएंगे फिर भी जा रहे बस। बाय द वे आई रियली लाइक द वे आओकिजी मेंशन सॉल एंड रॉबिन वाइल टॉकिंग अबाउट द रोड पोनेग्लिफ्स। दैट्स इट, इतना ही बतियाना था मुझे इस वीडियो में। एनिमेक्स वॉलपेपर को डाउनलोड करना मत भूलना, एंड अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेगी, तो बाय बाय।